महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, बाबा महाकाल आप सभी को बहुत खुश रखे, बहुत अच्छा रखे, आप पर हमेशा कृपा बरसाए रखे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ये टॉपिक बहुत दिनों से आपके लिए, आप इसका इंतज़ार कर रहे थे कि जो सोचोगे वही होगा। अक्सर हमारे साथ ये चीज़ें घटित होती है और इस वजह से हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां हमें देखना पड़ती है और उसकी वजह से हमें अपना वक्त, धन और कई चीज़ें बर्बाद हो चुकी है। तो जो सोचोगे वही होगा, ये विषय है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ें जानने के बाद मुझे यकीन है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। उससे पहले दोस्तों, मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में कुछ हो या ना हो, भोलेनाथ का एक बहुत अच्छा नाम लिख दें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर मुझसे आप बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर ऊपर चल रहे हैं, ये मोबाइल नंबर बंद है, ये व्हाट्सएप पर आप इस पर अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं कॉलिंग के थ्रू। चार्जेस जो है वो नॉमिनल है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब बात हम करना चाहते हैं हमारे मुद्दे की कि जो सोचोगे वही होगा। अक्सर हमारे साथ ये चीज़ें होती है, ज़्यादातर लोगों के साथ, कि हम जो भी सोचते हैं, जो प्लानिंग करते हैं वो सक्सेस नहीं होती, मतलब जो चीज़ें सोचते हैं वो वैसी नहीं होती है। अब उसके पीछे कई सारे कारण हैं, हम उन कारणों पर और अलग से कभी बात करेंगे, लेकिन मेजर कारण मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली मुख्य बात है कि हम जब भी कोई योजना बनाते हैं उस सोच में ये ज़रूर डिसाइड होता है कि आप उस सोच में आपकी सकारात्मकता कितने प्रतिशत है और नकारात्मकता कितने प्रतिशत है। पहली बात कि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं जिसके लिए पहले से हमने मन में विचार बना लिया है, उसके तरीके से हम पर एक दबाव होता है कि ये चीज़ ठीक होना ही चाहिए, ये हम पर एक दबाव होता है और दबाव में कभी भी हम अच्छा काम नहीं करते हैं। ये वैज्ञानिक तर्क भी है, ज्योतिष तर्क भी है और हमारा खुद मानवीय स्वभाव जो है वो भी यही बात कहता है कि व्यक्ति एक फ्री ऑफ माइंड में जो अच्छा काम कर सकता है उसकी योग्यताओं से, वो दबाव में नहीं कर सकता। और जैसे ही दबाव हुआ, हमने सोचा ये चीज़ और हमें जो मिल रही है चीज़ वो सोच के विपरीत, क्योंकि हमने दबाव में हमारा 100% देने की तो कोशिश करी, लेकिन मानसिकता और पूरी योग्यताएँ और अच्छे से हो सकती थी अगर हम उसे दबाव से बाहर करते हैं। तो जो सोचोगे वो तभी होगा कि चाहे आप कोई भी इस जीवन में योजना बनाएं और बिना दबाव के, बिना किसी टेंशन लेकर, बिल्कुल ईश्वर का पूर्ण विश्वास रखकर, उसका नाम लेकर उस काम पर आप लग जाइएगा, 100% दोस्तों ईश्वर की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। यही एक तरीका है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।